अच्छा बताओ आज खाने में क्या खाओगे? अरे खाना बाद में, पहले ये बताओ रिपोर्ट क्या आया पापा जी। हाँ डॉक्टर ने क्या कहा? बाबू जी बेटी रिपोर्ट रिपोर्ट ठीक तो है ना? ना हाँ बहुत ठीक है पापा जी। अरे क्या बहुत ठीक है, अपनी हालत तो देखो शीतल। हाँ इतने दिनों से खांसी तो है आपको बॉबी। चलो चलो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाता, डॉक्टर ने कहा है दवाई खाओ आराम करो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है बॉबी। अरे थोड़ा नहीं तुम्हें पूरा आराम करो। अरे घर में ना हम एक काम वाली रख लेते शीतल। अरे काम वाले? अरे नहीं नहीं काम वाले की क्या जरूरत है, मैं ऊपर का काम करती हूँ। दीदी का काम भी मैं नहीं, मतलब हम मैं ऊपर का काम करती हूँ तो नीचे का भी काम कर लूंगी, दीदी का भी काम मैं देख लूंगी। मोनू हाँ बैठी हुई कुछ भी नहीं है, अब तो लंबा आराम करना है। क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, आज सब लोग यही है ना, सब लोग यही खाना खाते। हाँ, वो वैसा है कि... आप सब लोग फ्रेश हो जाओ, आज सब यही खाना है। जो है पत्नी बीमार है तो डॉक्टर के पास गई है, क्या रिपोर्ट आती है कैसे होता है डॉक्टर क्या बोलता है तो इसको लेके काफ़ी टेंशन है घर में, क्या रिपोर्ट आएगी, कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं होगी और कुछ ऐसी बीमारी निकलती है जिससे वो किसी को बताती नहीं, सोचती है कि बॉबी जी अकेले रह जाएंगे घर का काम कौन करेगा, तो वो चाहती हैं कि इनकी शादी हो जाए, उनको लगता है कि वो नहीं रहेंगे तो उसमें किस तरह से अजीब अजीब तरह की औरतें आती हैं और किस तरह से पूरा कॉमेडी क्रिएट होती है, फिर बाद में पता लगता है वो रिपोर्ट झूठी थी है और ये सब इसकी टेंशन का माहौल है। अभी तो वो है एक्चुअली बीमार, उसको दिखाया गया कि उसको खांसी है ज़ुकाम है सांस फूल रहा है, लेकिन वो आगे चल के छोटी बीमारी निकलती है बड़ी नहीं।